देवर्षि नारद अने भगवान विष्णु साथे जोड़ायेली एक कथा छे। एकवार नारद मुनि ने तेमनी तपस्यानुं अभिमान थयुं हतुं। नारद मुनि बधा देवताओं ने कही रह्या हता के तेमने कामदेव पर विजय मेळव्यो छे अने तेमना पर कामदेवनी कोई असर नथी। नारद मुनिए पण भगवान विष्णु ने आज वात कही हती। विष्णुजी समझी गया के तेओ अहंकारी बनी गया छे। आ पछी भगवान विष्णुए पोताना जादूथी राजकुमारीना स्वयंवरनी रचना करी हती। नारद मुनि भगवान विष्णुना मोहमान फसाई गया अने ते राजकुमारी पर मोहित थई गया अने तेनी साथे लग्न करवा तैयार थई गया। नारदजीए विष्णुजी पासेथी सुंदर रूप मांग्यू जेथी राजकुमारी स्वयंवरमां नारद मुनि ने पसंद करे अने तेओ लग्न करी शके। भगवान विष्णुए नारद मुनि ने सुंदर रूप न आप्यू परंतु तेमने वानरनुं रूप आप्यू। नारद मुनि वांदराना मुखमां स्वयंवर स्थल पर पहुंच्या। राजकुमारीए नारद मुनि तरफ कोई ध्यान आप्यू नहीं। ते समये ज्यारे भगवान विष्णु स्वयंवर स्थल पर पहुंच्या त्यारे राजकुमारीए तेमने माला पहेरावी। आ जोईने नारद मुनि खूब गुस्से थया अने भगवान विष्णु ने श्राप आप्यो। स्वयंवरमां जय विजय नामना देवोना बे ग्रुप पण हाजर हता। नारद मुनि पर जय विजय हसता हता। गुस्सामां नारद मुनिए आ बन्ने गणोने राक्षस बनवानो श्राप आप्यो। थोड़ा समय पछी ज्यारे विष्णुजीए तेमनो भ्रम दूर कर्यो त्यारे नारदजी समझी गया के विष्णुजीए तेमनो अभिमान तोड़वा माटे आ भ्रम बनाव्यो छे। नारद मुनिनुं अभिमान चकनाचूर थई गयुं। तेमने पोतानी भूल समझाई अने भगवान विष्णु पासे क्षमा मांगी। जय विजयनी माफी पण मांगी हती। नारद मुनिनी कथानो संदेश ए छे के आपणे कोई पण वस्तुनुं अभिमान न करवुं जोईए अने बने तेटली वहेली तके आपणा क्रोधने काबूमां राखवो जोईए। नहीं तो पाछळथी पछतावो करवो पड़शे। जो अहंकार अने क्रोध एक जग्याए भेगा थई जाय तो कोईनुं पण जीवन बर्बाद थई शके छे।